दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप बच्चों से डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है। तो तीन मेथड है जिनके बारे में हम डिटेल में आप बच्चों से डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला मेथड है इनकम मेथड, फिर हम आपको समझाएंगे एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में, और उसके बाद वैल्यू एडिशन मेथड के बारे में आपको डिटेल में समझाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम मेथड में। देखिए कई सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस, और जब इन फैक्टर की इनकम को जब हम जोड़कर नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं इनकम मेथड। यानी कि इनकम मेथड क्या है, इनकम मेथड हमें बताता है कि चार तरीके के फैक्टर हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस। और प्रोडक्शन प्रोसेस में इन सभी को मिलता है फैक्टर इनकम, और इनकम मेथड वो होता है जिसमें हम जितनी भी फैक्टर इनकम मिल रही है नॉर्मल रेजिडेंस को इन वन अकाउंटिंग ईयर, उन सभी फैक्टर इनकम को जब हम जोड़ देते हैं तो उस जोड़कर जो इनकम हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। यानी कि एक देश के एक साल में, एक अकाउंटिंग ईयर में जो देश के नॉर्मल रेजिडेंस अर्न कर रहे हैं, कौन सी अर्निंग होनी चाहिए? फैक्टर अर्निंग, यानी कि काम के बदले इनकम होनी चाहिए। अगर ट्रांसफर इनकम है तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ये आपको बात समझनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं बच्चों फैक्टर इनकम। अब देखिए इनकम मेथड में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, एक बार कंपोनेंट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम आपको स्टेप्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे बच्चों। तो पहला कंपोनेंट जो है उसको बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। दूसरा जो फैक्टर आता है वो है ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरे को बोलते हैं मिक्स इनकम। तो इनके बारे में डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के से। देखिए जब एक कर्मचारी अपने मालिक के लिए काम करता है तो कंपनी उसको कई प्रकार के चीज़ें प्रोवाइड कराती है, कुछ कैश होता है, कुछ काइंड में होता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी कॉलेज में जॉब करता हूँ और कॉलेज वाले मुझे एक रेंट फ्री हाउस देते रहने के लिए, तो ये कोई भंडारा थोड़ा नहीं है जो ऐसे दे दिया होगा, ये किसी ना किसी काम के बदले दिया होगा। तो अगर कंपनी का मालिक अपने एम्प्लॉई को कुछ भी देता है, जैसे रेंट फ्री हाउस देता है या कार देता है या मान लीजिए कन्वेंस दे रहा है, तो ये तमाम चीज़ें एज अ काइंड के रूप में कंसीडर की जाएंगी। तो मालिक द्वारा कंपनी के एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉयी को जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं वो सारी की सारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयी का पार्ट होती हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं बच्चों? वेज एंड सैलरी कैश के रूप में जो मिल रहा है, और काइंड के रूप में मिल रहा है। काइंड के रूप में क्या होता है बच्चों? देखिए जैसे मान लीजिए अगर आप किसी को पेमेंट नहीं करते हो, मान लीजिए आप किसी को कैश नहीं देते हो, लेकिन उसके बदले आप क्या कर रहे हो, उसको मान लीजिए फ्री में बच्चों को स्कूल की फीस दे रहे हो, स्कूल की फीस, या मान लीजिए कोई टीचर है वो स्कूल में पढ़ाता है और उसको बच्चों को स्कूल में फ्री पढ़ाने की परमिशन दी जाती है, फ्री पढ़ने की परमिशन दी जा रही है, तो ये भी एक तरीके की इनकम हुई। यानी कि डायरेक्टली अगर वो मान लीजिए किसी और स्कूल में पढ़वाता तो उसको 20,000-25,000 मान लीजिए उसे पेमेंट करना पड़ता, 10,000 पेमेंट करना पड़ता, लेकिन ये सारा का सारा पैसा बच गया। तो ये सारा का सारा पैसा, सिंपल शब्दों में कहें तो मालिक अपने कर्मचारी को जो कैश देता है, कमीशन हो, बोनस हो, सैलरी हो, ये सारा का सारा कहलाएगा वेजेस एंड सैलरी इन कैश। और काइंड के रूप में जो मिलता है, फ्री में सर्विसेज दे रहा है या मान लीजिए रेंट फ्री हाउसेज है, तो वो भी इसी के अंदर आता है। इसके अलावा कई बार मालिक अपने कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन भी देता है। अगर मान लीजिए अगर इंडिया की बात करें तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको मिलता है एनपीएस, यानी कि गवर्नमेंट जो है, देखिए दो तरीके के एनपीएस के बारे में बता देता हूं मैं आपको। एनपीएस में दो तरीके के कंट्रीब्यूशन होते हैं, एक तो एम्प्लॉई करता है खुद अपनी तरीके से, और एम्प्लॉयर करता है। तो जो एम्प्लॉई कर रहा है उसको नेशनल इनकम में शामिल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो वेज एंड कैश में शामिल है। भाई मान लीजिए मैंने 50,000 रुपये की सैलरी मिली जिसमें से 5,000 रुपये मेरे एनपीएस में चले गए, तो 45,000 रुपये तो सैलरी नहीं कहलाएगी ना, सैलरी तो 50,000 ही कहलाएगी। तो इसको जो एम्प्लॉय करता है उसको शामिल नहीं करते, लेकिन जो एम्प्लॉयर करता है उसको भी शामिल करते हैं नेशनल इनकम में। तो ये आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा हम तीन चीज़ें आप याद रखिएगा, एक तो वेजेज एंड सैलरी इन कैश होना चाहिए, वेजेज एंड सैलरी इन काइंड होता है, दूसरा होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये सब कुछ हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ही कहलाता है। ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करें बच्चों तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है वो भी एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए
एक होता है इनकम फ्रॉम वर्क, दूसरा होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो प्रॉपर्टी से इनकम होती है या एंटरप्रेन्योरशिप से जो इनकम होती है उसको जोड़कर हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीजें आती हैं बच्चों? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी कि इसके अंदर आएगा इंटरेस्ट, इसके अंदर आएगा रेंट या रॉयल्टी, इसके अंदर आएगा एक तरीके से आप कह सकते हो हाँ तीन चीजें हो गई, रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, इंटरेस्ट हो गया। और इनकम फ्रॉम प्रॉपर एंटरप्रेन्योरशिप से आती है प्रॉफिट, और प्रॉफिट के बच्चों तीन हिस्से हो जाते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स, यानी कि ये वो इनकम का हिस्सा है जिसको या प्रॉफिट का हिस्सा है जिसको गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में पे कर दिया जाता है। डिविडेंड वो हिस्सा होता है जिसको गवर्नमेंट पे कर देती है, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट नहीं, कंपनी जो है या जिसको प्रॉफिट हुआ है वो पे कर देता है अपने शेयर होल्डर को, मालिकों को। और रिटेन इनकम या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वो होता है जिसे फ्यूचर के लिए संभाल के रख लिया जाता है। तो बच्चों मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ यहाँ पे कि ऑपरेटिंग सरप्लस के दो हिस्से होते हैं। पहला तो हिस्से का नाम है, पहले हिस्से का नाम है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और दूसरे का नाम है इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है? रेंट आता है, रॉयल्टी आती है, इंटरेस्ट आता है, और एंटरप्रेन्योरशिप में प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट के तीन हिस्से हैं जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बात करें बच्चों मिक्स इनकम की, तो मिक्स इनकम वो होती है जिसकी इनकम में इनकम फ्रॉम वर्क, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप तीनों शामिल होते हैं। मान लीजिए कोई डॉक्टर अपना ही क्लिनिक खोलकर अपने जो पेशेंट है उनको चेक कर रहा है, तो इस केस में क्लिनिक भी डॉक्टर का, रिस्क भी डॉक्टर का, इसका मतलब रेंट भी डॉक्टर को पे करना पड़ेगा। इस केस में जो भी वो फीस ले रहा है वो इनकम में तीनों चीज़ों के कंपोनेंट शामिल हैं। सैलरी का भी कंपोनेंट शामिल है, कंपनसेशन एम्प्लॉय का कंपोनेंट भी शामिल है, रेंट का कंपनसेशन भी शामिल है। यानी कि उस तरीके की इनकम होती है, जैसे मान लीजिए एक वेजिटेबल सेलर वेजिटेबल सेलिंग का काम कर रहा है या मोची जूते को सिलने का काम कर रहा है, यहाँ पर वो खुद की नौकरी कर रहा है, तो इस केस में जो भी उसकी इनकम हो रही है वो सब कुछ उसकी मिक्स इनकम कहलाएगी। यानी कि मिक्स इनकम क्या होती है? जिसमें इनकम फ्रॉम वर्क भी शामिल होता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी शामिल होती है, इनकम फ्रॉम रेंट भी शामिल होता है, सॉरी एंटरप्रेन्योरशिप भी शामिल होता है। और क्योंकि इसको अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इसको बांट नहीं सकते, क्योंकि इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए इसको मिक्स इनकम कहा जाता है। तो बच्चों मैं आपको रिपीट कर देता हूं, तीन तरीके की इनकम हो गई, वर्क से इनकम, एक तो वर्क से इनकम, ठीक है, दूसरा होता है प्रॉपर्टी से इनकम और एंटरप्रेन्योरशिप से इनकम, इससे इनकम। तो जो वर्क से इनकम हुई है उसे बोलते हैं कंपनशिप एम्प्लॉइज, प्रॉपर्टी और एंटरप्राइजेस से जो इनकम हो रही है उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, और कोई इनकम ऐसी है जिसमें तीनों ही कंपोनेंट शामिल हैं उसको बोलते हैं मिक्स इनकम। तो जब आप इन तीनों की इनकम को जोड़ दोगे, यानी कि आप कंपनशिप एम्प्लॉइज को जोड़ दोगे, इसका मतलब कंपनशिप एम्प्लॉइज को जोड़ दोगे प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस को जोड़ दोगे और प्लस आप जोड़ दोगे मिक्स इनकम को, तो ये कहलाएगी हमारी नेशनल इनकम, सॉरी ये कहलाएगी हमारी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट NDPDFC। और आपको जिसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपको राष्ट्रीय आय निकालनी है तो आप क्या करोगे, NDPDFC में से प्लस कर दोगे विदेशों से आय, तो आपकी राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। तो बच्चों ये सारे के सारे पॉइंट हैं। स्टेप्स की बात करें तो एक बार स्टेप्स भी हम एक बार देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है एंड क्लासिफिकेशन करना है उन यूनिट का जो प्रोडक्शन यूनिट में लगे हुए हैं। तो जितनी भी इकाइयाँ हैं उनको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हर सेक्टर के अंदर हमें ये पता करना होता है कि कंपनशिप एम्प्लॉइज कितना है, ठीक है, कंपनशिप एम्प्लॉइज कितना है, एक मिनट, हाँ क्या पता करना होता है बच्चों, कंपनसेशन एम्प्लॉइज के बारे में पता करना होता है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं बच्चों, वेज एंड सैलरी कैश काइंड में होता है, इसके अलावा कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर इन सोशल सिक्योरिटी। फिर उसके बाद हमें मिक्स इनकम के बारे में पता करना है, ऑपरेटिंग सरप्लस के बारे में पता करना है, और इनको जोड़कर हम क्या निकालते हैं, NDPDFC निकलता है। और अगर राष्ट्रीय आय पता करनी है तो आपको इस वैल्यू में जोड़ देना चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं बच्चों, अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, तो तीन कंपोनेंट हैं, COE, मिक्स इनकम एंड ऑपरेटिंग सरप्लस। इसको जब आप जोड़ दोगे तीनों की इनकम को तो आपको कहलाएगा NDPDFC, और अगर इसमें आप विदेशों से जो आय हो रही है वो भी जोड़ दोगे तो ये कहलाएगा नेशनल इनकम। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इनकम मेथड समझ में आ गया होगा। बेसिकली इनकम मेथड जो है वो जितनी भी इनकम है उन सबको जोड़कर बनाया जाता है।